पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेचकर के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एफआईआर करा दी है। इसमें ये बात सामने आई है कि सिविल सेवा में चयनित होने के लिए पूजा ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और जालसाजी की थी। यूपीएससी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा खेचकर ने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपने पिता और माता का नाम भी बदला। इसके अलावा उन्होंने अपनी तस्वीर, अपना हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पूरी पहचान छिपाई और यूपीएससी की परीक्षा दी। यूपीएससी ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया कि पूजा खेचकर ने यूपीएससी परीक्षा में चयन के लिए आयोग के नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और इसका लाभ उठाया। आयोग ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेचकर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की गई। इस जांच में पता चला कि उन्होंने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और ईमेल आईडी समेत मोबाइल नंबर और पता तक बदल दिया। उन्होंने नियमों के तहत अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया है। इस जांच के बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आयोग ने अब पूजा खेचकर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया और उनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर कराई है। इसके अलावा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के मुताबिक उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूपीएससी ने आपके ऊपर एफआईआर क्लेम की है। व्हाट यू हैव टू से ऑन द जुडिशरी विल टेक द इट्स कोर्स व्हाटएवर इट इज देयर आई विल रिप्लाई टू यू। आई एम कमिंग बैक आई विल गिव यू द बाइट। मैडम कहाँ जा रहे हो? आज अभी कहाँ पे मैम? ओके मैम, बिल्कुल। इस बीच पूजा खेचकर की मां मनोरमा खेचकर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने कथित तौर पर बंदूक दिखाकर किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मनोरमा के खिलाफ किसानों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इसी शिकायत के आधार पर मनोरमा को रायगढ़ जिले के महाड स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सूत्रों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई। पुणे ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने तड़के होटल पर छापा मारा और मनोरमा को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा और उनकी मां मनोरमा समेत अब उनके पिता दिलीप खेचकर चर्चा में हैं। मनोरमा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कथित तौर पर एक किसान को बंदूक दिखाकर धमकाती नजर आ रही हैं। मनोरमा ने पुणे के मुलशी के धड़वाली गांव में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी और कुछ अन्य जमीनों पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी। पुलिस में बताया गया है कि जब जमीन के मालिक ने इस पर आपत्ति जताई तो मनोरमा ने कथित तौर पर उसे धमकाया।